हाय गाइस, तो आज मैं ड्रॉ करने वाली ब्लू फ्लावर, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सब वाटर कलर ट्यूब्स यूज़ करने वाली हूँ और ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले स्केचिंग से स्टार्ट करूँगी, फटाफट से स्केच बनाऊँगी। मैंने एकदम उस पिक्चर का जो रेफरेंस ली थी उसका कॉपी नहीं किया, कुछ अपने मन से भी कुछ कर दिया है। बस मैंने स्केचिंग के लिए वो पिक्चर ली थी, थोड़ी सी जो मुझे आइडिया मिल जाए, बाकी सब मैंने कुछ अपने मन से किया है और कलर मैंने उस पिक्चर का ले लिया है। सो अभी मैं लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ, बस हो ही गया। और मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर्स, मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, डार्क ब्लू, और फिर उसको मैं जो आउटलाइन है इसके ऊपर कर दूँगी, मैं आउटलाइन कर दूँगी बाद में। अभी मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ और उससे भी आउटलाइन कर रही हूँ लीव्स को, क्योंकि लीव्स ग्रीन होता है ऑब्वियसली। ओके, सो ये लास्ट लीव था और हो गया। अभी मैंने अपनी पेंटिंग को ड्राई होने के लिए रख दिया, ये सूख गया तो मैं इसको इरेज करूँगी, जो भी पेंसिल्स का है ग्रेफाइट एक्स्ट्रा वो निकल जाए इसके लिए। और अभी मैं पानी की वाटर लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं ब्लू पेंट डालूंगी जो पूरा कलर करने के लिए। मैंने पहले मोटे ब्रश से किया था, फिर मोटे ब्रश से बाहर जा रहा था पानी और वो अच्छे से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फिर सिंपल अपने ब्रश से करना किया, ना कि फ्लैट ब्रश से। लीव्स को भी फटाफट कर लेंगे। हो गया है, इसको भी वो ड्राई हो चुका है, मैंने धूप में रखा था। और अभी मैं यहाँ पे शेडोज ड्रॉ करूँगी, शेडोज नहीं, मैं उसके ऊपर और एक बार मोटी मोटी आउटलाइन कर रही थी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। शेडोज जो फ्लावर की हो चुकी है कुछ इस तरीके की दिख रही है, एंड अभी लीफ की जो है वो चल रही है शेडो। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने किया है, वो से लाइन लाइन ड्रॉ करना, इससे बहुत अच्छी लग रही थी पेंटिंग। जो वाटर कलर्स है वो वही है, तो कि स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग एंड लेयरिंग करना पड़ता है, मैं वही कर रही थी, मेरी थर्ड फोर्थ लेयर होगी। सेकेंड आई थिंक अभी मैं लीव्स को भी वैसे ही कुछ लाइन की हेल्प से डिटेलिंग कर दूंगी। जब भी ज़्यादा वो पेंट लग रहा है तो मैं उसको क्लॉथ की हेल्प से मिटा रही हूँ, क्लॉथ उसके ऊपर रखा, थोड़ा प्रेस किया तो जो एक्स्ट्रा पेंट है वो क्लॉथ एब्सॉर्ब कर लेता है। मैंने तो पहले भी बताया था लगता है, फिर से रिवीजन हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी अपना नाम डेट लिख रही हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मैं लिखती हूँ। अरे उसके बाद फिर मुझे लिखने के बाद याद आया कि हमको कुछ डिटेलिंग्स भी करने पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल, सो फिर इसके बाद मैंने कलर पेंसिल की तरफ से डिटेलिंग की।
मैंने कुछ ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किया, बस डार्क ब्लू एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन ही यूज़ किया डिटेलिंग ऐड के, डिटेलिंग से ऐड करने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो पहले था, बस कुछ कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा सा चाहिए था वो भी खुल गया। हो गया, और फिर भी मैंने और एक बार पेन की ऐप से डेट वगैरह डाल दी, एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।